गाइस प्लीज सपोर्ट करो, प्लीज 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 सपोर्ट करें गाइस, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं, साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो गाइस नीड योर लव योर सपोर्ट, प्लीज सपोर्ट करो यार, तभी तो अच्छे अच्छे ब्लॉग बना पाएंगे गाइस, तभी तो आपको अच्छी अच्छी चीजें दिखा पाएंगे। आप सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे बात बनेगी। हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द व्लॉग। तो गाइस अभी बज रहे हैं 11:30 यार, मैं जल्दी जल्दी फटाफट जा रहा हूँ हॉस्पिटल क्योंकि 11 बजे आज का मेरा अपॉइंटमेंट था थेरेपी के लिए। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई ना, मैं सुबह सुबह सोया हूँ, मैं करीब 4:30 या 5 बजे तो आँख नहीं खुली, तो इतनी जल्दी से आँख खुली देखा मैंने, 11:33 हो रहे हैं, तो फटाफट जा रहा हूँ मैं हॉस्पिटल, पहले थेरेपी कराऊँ उसके बाद फिर देखते हैं आगे का क्या प्लान है। तो गाइस फटाफट आ गया हॉस्पिटल, चलो जल्दी से पहले स्लिप कटवाता हूँ, चलो पहले स्लिप कटवा लूँ फिर चलते हैं थेरेपी कराते हैं। तो गाइस हालत देख रहे हो मेरी, सो के उठा ऐसे भाग के आ गया, चलो ये स्लिप व्लिप कटवा लिए, चलो चल के कराते हैं थेरेपी, देखते हैं। मैं लेट हूँ 15 मिनट, अभी पता नहीं क्या बोलेंगे वो, फिर चल के देखते हैं। तो गाइस ये वाला है रूम जहाँ पे मैं थेरेपी कराता हूँ, ये देखो ये दिखा, चल के देखते हैं अंदर क्या सीन है। तो गाइस चलो फाइनली हो गई थेरेपी, अब चलते हैं घर, आई थिंक कुछ 20-25 मिनट करते हैं, बट हाँ बड़ा आनंद आता है लेटे लेटे नींद आने लग जाती है भयंकर वाली, और वैसे भी देखना मेरी हालत लेट हो गया था यार, मैं जल्दी फटाफट भाग के आया। तो फाइनली हो गई थेरेपी, अब चलते हैं देखते हैं, पहले एक चाय पीने का मन है, उसके बाद घर जाएंगे, देखते हैं अभी हेयर वेयर सोच रहा हूँ कट करवा लूँ, तो देखते हैं चलो पहले चाय पीते हैं फिर देखते हैं आगे का क्या प्लान है। एक चाय पिलाओ, दे रहे हैं अभी अभी तुरंत चाहिए, अभी तुरंत बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए। गाइस फाइनली आ गई चाय, चलो पी ले इसको फिर चलते हैं घर, देखते हैं फिर ब्रश करेंगे, नहाए धोएंगे यार, फिर आगे का क्या प्लान, सोच रहा हूँ बाल कटवा लूँ यार, बहुत लंबे हो रहे हैं, शेविंग वेविंग करा लूँ, तो चलो पहले चलते हैं चाय वाय पी ले। तो गाइस चलो चाय वाय पी ली, अब चल रहे हैं घर, थोड़ा साफ सफाई करेंगे, अभी वीडियो तो अपलोड कर दी है, आज जो रात में ब्लॉग आएगा मतलब शाम को 8 बजे ब्लॉग तो अपलोड कर दिया है, अभी उसका कैप्शन थंबनेल सब लगाया नहीं, सुबह लेट सोया था यार, आई थिंक कुछ 4:30 बजे सोया था, और मुझे 11:30 बजे से बताया ना मुझे जाना था थेरेपी के लिए, अचानक मेरी आँख खुली सडन ऐसे ही, मैं सपना देख रहा था कुछ पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा था ऐसे ही, अचानक ऐसे आँख खुली, मैंने घड़ी मतलब फ़ोन उठा के देखा 11:33, मैंने भाई वो भाई तुरंत ऐसे ही कपड़े डाले फटाफट तुरंत भाग गया। और वहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ, लेट हो रहा है लेकिन फिर भी मैं पता है मैं मेरे दिमाग से निकल गया कि यार डार्लिंग भी है अपने पास, मतलब बाइक उससे जाना चाहिए, जल्दी पहुँच जाऊँगा, और मेरे देखो दिमाग नहीं मतलब उस टाइम टाइम पे दिमाग में नहीं आया, मैं भाग के रिक्शा करके गया, तो वहाँ जाके मेरे दिमाग में आया, मैं कहा अरे यार डार्लिंग भी तो थी, मैं बाइक से भी तो आ सकता था लेकिन चलो कोई नहीं हो गया, अब चल रहा हूँ घर, पहले थोड़ी साफ़ सफाई कर लूँ, वीडियो अपलोड कर दूँ, उसके बाद सोच रहा हूँ थोड़ा ये सब करवा लूँ, फिर उसके बाद नहाना धोना वही है, उसके बाद फिर देखेंगे आगे का क्या प्लान है यार, जल्दी सर्दी ख़त्म हो जाए भाई, कसम से मतलब मन उब गया यार भाई। तो गाइज आ गया हूँ अभी घर, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है, आज है ट्यूसडे, आज ये दाढ़ी बाल नहीं बनेंगे, तो फिलहाल अब काम करते हैं, पहले वीडियो अपलोड कर, अपलोड तो हो चुका है, उसका कैप्शन टैग्स वगैरह लगाते हैं, उसके बाद क्या काम है, घर की साफ सफाई, फिर नहाना है। ओके सो नहाने के बाद अब मिलूंगा, साफ सफाई मैंने 2-3 बार दिखा दिया है, आप और नहीं दिखाऊंगा बोर हो जाओगे। तो गाइज चलो नहा धो लें फिर आपसे मिलते हैं यार, एक रुको रुको मैं आपकी बात बताऊं, देखो सर्दी कितनी है बाहर, अभी मैंने नॉर्मल देखो टी शर्ट पहन रखी है ना, घर में हूँ, कितना अच्छा लग रहा है, बाहर निकलो पूरा एकदम कंबल उम्बल लेके सारा ओढ़ के रजाई उजाई लेके बाहर, मतलब खुद को भी अजीब लगता है, अभी देखो कितना मस्त लग रहा है ना, तो जल्दी खत्म हो जाए सर्दी यार, कसम से मैं सर में मेरे दर्द होने लग जाता सर्दी से, मुझे समर्स बहुत पसंद है, बहुत बहुत लोग बोलेंगे भाई गर्मी कैसे, गर्मी मुझे एक ही रीजन से पसंद है, दिन बड़े होते हैं, टेंशन नहीं है, जब मर्जी जहां उठाओ बाइक निकालो, कुछ भी कैब वैब बुक करो या टिकट बुक करो, कहीं भी निकल जाओ कोई टेंशन नहीं, दिन बड़े होते हैं, घूमना टहलना काम ज्यादा होता है, ये कांपने का टेंशन नहीं होता है, बस इसी रीजन से मुझे गर्मियां ज्यादा पसंद है, बस जैसे मैंने बताया दिन बड़े होते हैं, काम ज्यादा होता है, कहीं आने जाने का टेंशन नहीं है, दिल्ली में अगर कहीं बाहर जाना है भाई वैसे तो भाई मेट्रो चले जाओ, बहुत लोग कैब से जाते हैं, बहुत लोग बाइक से चले जाते हैं, सर्दी में क्या होता है कांपने का बहुत बड़ा टेंशन होता है, बिस्तर से जल्दी सुबह उठने का मन नहीं करता, और बस थोड़ा और में लेट हो जाता है, बस यही सब कारण है, और कोई ऐसा स्पेशल रीजन नहीं है,
तो गाइज चलो अब नहा ले पहले, फिर नहाने के बाद आपसे मिलेंगे। तो गाइज अभी नहा धो के हो गए रेडी, देखो 2:50 हो रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये मैंने पहना है सी, पर अभी जाना कहाँ है कुछ समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज 2:50 हो रहे हैं और दिल्ली में ठंड बहुत है भाई, तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि जाएं कहाँ। और थोड़ा कमर में भी पेन है ना, अभी पता है आपको थेरेपी चल रही है, तो इस वजह से ज़्यादा कहीं कमर में मतलब प्रेशर नहीं देना। अभी बाइक वाइक ड्राइव करूँगा तो झुकाव रहता है ना ऐसे बाइक पे, तो इस वजह से थोड़ा सोच रहा हूँ अवॉइड करूँ अभी। और वैसे भी डार्लिंग काफ़ी टाइम से खड़ी है, चल के एक बार देखा है डार्लिंग का क्या हाल है, 3-4 दिन हो गए पार्किंग में खड़े खड़े। तो गाइज अभी हो गया हूँ रेडी, चलते हैं थोड़ा यार पहले कुछ पानी वानी पीते हैं भैया। तो गाइज हो गया हूँ रेडी, अब थोड़ा पानी वानी पीते हैं, कुछ चल के नीचे देखते हैं चाय नाश्ता। आप देख रहे हो गाइज 3 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट, अब मेरा नाश्ता होने जा रहा है ठंडी, इसी वजह से मुझे ठंड पसंद नहीं है भाई, बस यही रीजन है कि ठंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देख रहे हो 3 बजे चाय नाश्ता हो रहा है यार, तो चलो देखते हैं थोड़ा पहले कुछ पानी वानी पीते हैं, नीचे चल के चाय नाश्ता करते हैं, उसके बाद चलते हैं डार्लिंग को देखने। डार्लिंग 4 दिन से लगभग, 29th को मैं रात में आया हूँ, 30th को उसको ले जाके वॉश करवाया अच्छे से, उसके बाद थोड़ा सा ड्राइव किया, खड़ी है 30th से खड़ी है, आज है 3, तो 4 दिन हो गए, तो चलिए थोड़ा उसका भी हाल चाल ले लें। गाइस देखो ये जूते कल धोए थे मैंने, अभी तक बिल्कुल गीले हैं, वैसे की वैसे ही हैं यार, बिल्कुल भी नहीं सूखे हैं, धूप ही नहीं निकल रही है, देखना क्या सूखेगा, देख रहे हो बिल्कुल दिल्ली में धूप ही नहीं निकल रही है, क्या करें। तो चलो अब चलते हैं नीचे, देखते हैं कुछ चाय नाश्ता क्या है। तो गाइस आ गया था पार्किंग, सोचा डार्लिंग को भी देख लूं यार, डार्लिंग का क्या हाल है, 4 दिन से यहाँ पे खड़ी है, बट ठीक है चलो, देखो लॉयस पे कुत्तों ने सुस्तू कर दिया है। अरे यार महाराज बस भी करो, देखो कुत्ता भी वहाँ बैठा हुआ है वो देखो। तो गाइस फाइनली चाय वाय ले ली मैंने, वहाँ से चाय वाय पी लिया है, भैया डार्लिंग को भी ले आया, डार्लिंग 4-5 दिन से यार पार्किंग में खड़ी थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा है भाई, तो हालांकि डॉक्टर ने मना किया अभी थोड़ा कमर पे प्रेशर नहीं देना है, अब इस पर बैठो ना तो अपना जो बॉडी है ना आगे की तरफ झुकाव रहता है तो कमर पे आता है प्रेशर, लेकिन फिर भी मैं इसको ले आया, हालांकि ज़्यादा दूर नहीं है मेरा घर यहाँ से, मैं इसको इसलिए ले आया कि 4-5 दिन से ये यहीं पे मतलब पार्किंग में ही खड़ी थी, तो हालांकि मशीन है यार, तो मैं सोचा थोड़ा निकाल के ड्राइव कर दूँ इससे थोड़ा सा इंजन विंजन थोड़ा गर्म हो जाए इसका, इस वजह से ले आया था। तो गाइज आ गया फाइनली मैं घर, डार्लिंग को पार्किंग में लगा दिया है। गाइज मैं डार्लिंग को इसलिए लेके गया था ताकि ठंड बहुत ज्यादा है और इस टाइम तो इतनी ठंड बढ़ गई है सच में, मैं थोड़ी दूर लेके गया डार्लिंग को, मेरे हाथ पैर सब सुन्न पड़ गए, सच में बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गई है इस टाइम दिल्ली में, और डार्लिंग को ले जाने का यही मतलब था कि 4 दिन से खड़ी थी, ठंड इतनी पड़ रही है, मैं सोचा उसको निकाल के थोड़ा टहला दूं, उसको भी इंजन विंजन थोड़ा गर्म हो जाए, हालांकि है तो मशीनी, तो ऐसे सुना है बहुत लोगों से कि सर्दियों में मशीन जो भी बाइक है गाड़ी है कार मतलब जो भी है तो इतना टाइम खड़ा नहीं करना, थोड़ा निकाल के चलाना चाहिए, थोड़ा सा वो भी इंजन थोड़ा गर्म हो जाए, हीट वीट मिल जाए उसको भी, तो इसी वजह से मैंने निकाल के थोड़ा उसको चला दिया। अब आ गया हूँ घर। तो गाइस टाइम अभी हो रहा है 9:08, आया था शाम को, देखा था जैसा कि आपने चाय वाय पी के डार्लिंग को पार्किंग में लगा के, तब से यहीं पड़ा था भैया, क्योंकि डॉक्टर ने बोला भैया थोड़ा रेस्ट करने के लिए, कमर पे प्रेशर नहीं देना है, इधर ही पड़ा था, ठंड इतनी बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ठंड है यार। तो अब चलते हैं नीचे, देखते हैं डिनर में क्या मिलता है आज, मेरा मन है देखो मैं वहाँ दिख रहा हूँ मिरर में, तो एक्चुअली आज मेरा मन है कि सरसों का साग और मक्के की रोटी खाने का, मतलब बहुत ही ज़्यादा मन है मेरा, तो मैं सोच रहा हूँ चलो चलते हैं सरसों का साग और मक्के की रोटी खाते हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो गाइज सोच रहा हूँ चल के नीचे आज सरसों का साग मक्के की रोटी खाने का। गाइज अब ठंड इतनी है ना, हाथ पर सुन्न पड़ जाते हैं, डार्लिंग को ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही दूर लेके गया था, कान में हवा ये हाथ वाथ एकदम, अभी भी देखोगे ना हाथ ये छू के बहुत ज़्यादा ठंड है, मतलब बहुत ठंडा है हाथ मेरा, यहाँ पे ना अचानक सर्दी बढ़ गई है, मुझे लग रहा है शायद ये आई थिंक कुछ मकर संक्रांति होती है ना 14 जनवरी को, उस टाइम पे लोहड़ी वगैरह भी आती है, तो शायद तब तक तो ठंड रहेगी, लेकिन दिल्ली में जो माना जाता है कि 26 जनवरी तक ठंड रहती है, उसके बाद धीरे धीरे करके जाती है। तो गाइस सच में मैं थक गया हूँ भाई दो चीज़ों से, एक ठंड से, एक अपनी कमर के दर्द से, ये दोनों ठीक हो जाए ना उसके बाद फिर निकलें कहीं बाहर, आप लोगों को भी इंजॉय कराएं, कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ दिखाएं। तो गाइस प्रे करो यार ये बैक पेन जल्दी ठीक हो एंड ठंड भी जल्दी जाए। तो चलो अब चलते हैं नीचे, खाते हैं सरसों का साग मक्के की रोटी। तो गाइस आ गए हैं फाइनली रेस्टोरेंट, देखते हैं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अंदर चल के पूछते हैं। सरसों का साग और 2 मक्के की रोटी। तो गाइस देखो आ गया है ये सरसों का साग, मक्के की रोटी अभी आई नहीं है यार, वहाँ पे बना रहे हैं, अभी लेके आ रहे हैं वो,
कह रहे हैं 2 मिनट का टाइम दे दो, देखने में। मैंने यहाँ पे ट्राई किया है पहले भी, बहुत अच्छा बनाते हैं ये सरसों का साग। यहाँ पे अलग तरीके से बनता है, शायद गांव वाले देखेंगे तो बोलेंगे ये क्या है। गांव वाले मतलब जो गांव में रहते हैं, जो गांव में अपने हाथ से बनाते हैं, या शहरों में भी जो अपने हाथ से बनाते हैं घरों पे, वो शायद सोचेंगे ये कैसा है, बट यहाँ पे ऐसा ही मिलता है। बट हाँ, अच्छा होता है ये भी, टेस्टी होता है काफ़ी। तो आ गई भैया ये मक्के की रोटी भी, ये लेके आ गए। ये है मक्के की रोटी, बहुत ही यम्मी लगा। मैं यहाँ पे खाता हूँ कभी कभी। यहाँ पे ना ये सर्दियों में ही मिलता है। तो चलो आ गया है फाइनली अपना डिनर, चलो खा लें फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस अभी खाना पीना हो गया, सरसों का साग, मक्के की रोटी। हाफ साग लिया था मैंने, 2 मक्के की रोटी। 1 मक्के की रोटी है 20 रुपये की, तो 2 का हुआ 40, और सरसों का साग जो है वो है 60 रुपये का हाफ, तो मतलब मेरा बिल आया 100 रुपये का। तो अभी चल रहे हैं नीचे, देखते हैं, थोड़ा चाय पीने का मन कर रहा है। अभी लोग बोलेंगे खाना खाने के बाद चाय कौन पीता है, मैं पीता हूँ, मतलब सम टाइम्स मेरे को अच्छा लगता है। तो चल के देखते हैं, अभी टाइम हो रहा है 9:50, चल के देखते हैं अभी मिलती है चाय के नहीं। और गाइस मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो सरसों का साग था ना, यहाँ के हिसाब से मतलब अच्छा है, यहाँ ऐसे ही मिलता है। लेकिन अगर आप गांव से कंपेयर करोगे ना, जैसे लोग गांव में बनाते अपने घरों में, जैसे हम घर पे रहते थे, मम्मी उम्मी बनाती थी, भाभी वाभी हमारी बनाती थी, मतलब वो नेक्स्ट लेवल का, गांव का टेस्ट अलग ही है यार। तो यहाँ पर ऐसे ही मिलता है भाई, क्या करें। तो चलो अभी ढूंढते हैं चाय। तो गाइस दिख गई है चाय, ले लेते हैं। हाँ जी भैया, एक चाय दे दो। ये भैया कितने का है? 10 रुपये, ठीक है देता हूँ। तो गाइस फाइनली आई गॉट माई टी, ये रहा चाय, मतलब रही चाय। तो चलो चाय पीते हैं, धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ते हैं। ठंड बहुत है यार, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है भाई यहाँ पे, हाथ पैर कांप रहे हैं सच में। और मुझे लग रहा है कल का दिन तो और भी बुरा होने वाला है, और कल का ही क्या, मेरे को लग रहा है अब ये 10-12 दिन जो है ना, बहुत ही भयंकर ठंड पड़ने वाली है दिल्ली में। अभी से ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कान वान एकदम सुन्न पड़ रहा है। तो चलो चाय वाय पीते पीते भैया धीरे धीरे चलते हैं घर की तरफ, कंबल रजाई में अंदर जाके बैठेंगे, आराम से बिस्तर गर्म करेंगे, उसके बाद सोएंगे। सोएंगे क्या यार, अभी वीडियो एडिट करना है भैया। तो गाइज प्लीज सपोर्ट करो यार, जल्दी से वायरल कर दो वीडियो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी भी दबाओ, और हाँ साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर ये वीडियो आप मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक करके फॉलो करें गाइस। तो चलो चाय पीते पीते चलते हैं घर। तो गाइस आ गया हूँ घर, चाय पी के देखो अभी ये खा रहा हूँ ये लाया हूँ दुकान से लड्डू, ये देखो तिल के लड्डू हैं, और ये राइस का लड्डू है, पॉपकॉर्न राइस पॉपकॉर्न उसका लड्डू, हमारे यहाँ इसको भूजा बोलते हैं, बाकी आप सबके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं। उसके बाद देखो रात में ये रखा है, एक फ्रूट केक लाया था, एक एप्पल रखा है, ये सब रात का जुगाड़ है। रात को भाई भूख लग जाती है, क्योंकि लेट नाइट जगता हूँ ना मैं, मतलब लेट नाइट तक जगता हूँ वीडियो एडिट करने के लिए। तो गाइज चलो भूजा भूजा भी खा लिया है, लड्डू वड्डू। तो गाइज अब एक काम करते हैं, इस ब्लॉग को यहाँ पे करते हैं खत्म। गाइज प्लीज सपोर्ट करो, प्लीज 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 सपोर्ट करें गाइज, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं, साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर ये वीडियो आप मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक करें एंड फॉलो करें। तो गाइज नीड योर लव योर सपोर्ट, प्लीज सपोर्ट करो यार, प्लीज सपोर्ट करें यार, तभी तो अच्छे अच्छे ब्लॉग बना पाएंगे गाइज, तभी तो आपको अच्छी अच्छी चीजें दिखा पाएंगे। आप सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे बात बनेगी, करो भैया। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।